लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी आरएसएस में होने लगी अनबन, हो गई बड़ी गड़बड़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मोहन भागवत से मुलाकात, दूर करेंगे गलतफहमी। इशारों इशारों में आरएसएस ने उठा दिए बीजेपी पर सवाल, मच रहा है बड़ा बवाल। अगर हाल के कुछ बयानों पर नजर डाल रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। संघ को बीजेपी का मात्र संगठन माना जाता है। संघ से प्रशिक्षण प्राप्त कर लोग बीजेपी के अंदर अहम पदों को संभालते रहते हैं। यह सिलसिला लंबे अरसे से चला आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी जैसे कई शीर्ष नेता संघ की शाखाओं से निकलकर राजनीति में आए, लेकिन 2024 के लोकसभा के परिणाम के बाद जिस तरह से खुलकर बयान सामने आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ खटपट जरूर चल रहा है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। वही लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज पहली बार गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। दोनों के बीच ये मुलाकात गोरखपुर में आरएसएस प्रशिक्षण सत्र में हो सकती है। यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन बहुत खराब रहा और यही वजह है कि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने से चूक गई। इतना ही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद इशारों में सवाल उठा चुके हैं। संघ प्रमुख ने कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में अपने एक बयान में कहा था कि सच्चा सेवक काम करते समय हमेशा मर्यादा बनाए रखता है, वह अपना काम करता है लेकिन अनासक्त रहता है, उसमें कोई ऐसा अहंकार नहीं रहता कि मैंने यह किया है, केवल ऐसे अनासक्त व्यक्ति को ही सेवक कहलाने का अधिकार है। संघ प्रमुख का यह बयान सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने इन्हें सरकार पर आरएसएस प्रमुख का तंज माना और तरह तरह के बयान आने लगे। फिर जाकर संघ की ओर से इस पर सफाई दी गई कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष या सरकार पर नहीं थी। संघ के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आए इन बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि संघ और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उसकी सीटों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में घटकर आधी रह गई है। इन हालातों के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि इन दोनों की मुलाकात में सियासत से जुड़ी क्या बातें हो सकती हैं।